खेमा उत्साहित था और जिस प्रकार से आज काउंटिंग शुरू हुई शुरुआती एक घंटे में कांग्रेस की खुशियां सातवें आसमान पे थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे ये खुशियां काफूर होती नजर आ रही है। बीजेपी हरियाणा में फिर से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, हालांकि परिणाम में कन्वर्ट होना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, मैजिकल जो फिगर है उस फिगर से 3-4 सीटें आगे स्टैंड कर रही है बीजेपी। देखिए आशीष जी, अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने लूट मचाई, जिस तरह से लोगों को परेशान किया, चाहे वो जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, इनके ये बहुत बड़े मुद्दे थे, जिस तरह से इनको परेशान किया बीजेपी ने, उस परेशानी को देखते हुए वापस हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और उसी का परिणाम है। आप देख रहे हो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के ऊंचाई पर पहुंची। अब पता नहीं किस क्षेत्र की कहाँ, क्षेत्रवाज का थोड़ा सा कोई फर्क रहता है, तो ये थोड़ा सा रुझान ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी आप देखना रिजल्ट आते आते सरकार दोनों राज्यों में कांग्रेस की बनेगी, बिल्कुल ये क्लियर है। जनता ने मानस बना लिया था कि बीजेपी को बिल्कुल यहां से जड़ से उखाड़ना है। बिल्कुल, लेकिन कटारा जी जो फिगर सामने आ रहा है यहाँ कांटे की टक्कर, अगर आपका अगर जो बयान है उसे भी मैं काउंट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, फिर भी कांटे की टक्कर है। जिस प्रकार से आपके दावे थे कि सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी के खिलाफ लहर है, किसान विरोधी बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो जिस प्रकार से जो शुरुआती रुझान थे शुरुआती एक घंटे में जो 60 और 18 20 के आसपास बीजेपी थी, तो माना जा रहा था कि आपकी बातों में दम है, लेकिन जैसे ही ये अब उलटफेर हुआ है, बड़ा उलटफेर हुआ है, बीजेपी 48 सीटों पर ट्रेंड कर रही है, 34 सीटों पर कांग्रेस है, अन्य 8 पर है, तो ऐसे में जो दावे किए गए थे कि सत्ता विरोधी लहर है, तानाशाही से जनता परेशान है, अग्निवीर ने युवाओं को बिल्कुल झकझोर करके रख दिया है, तो ये इसका कहीं ना कहीं असर नजर नहीं आ रहा है। देखिए आशीष जी, बिल्कुल नजर आएगा असर। अब किस क्षेत्र की पता नहीं सीट खुली है, किसी सीट पे अपन 500 से पीछे हैं, किसी से 90 सीटें पूरी खुल चुकी है, बिल्कुल 90 का ट्रेंड बता रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल 90 सीटें खुल चुकी, परंतु जो रुझान है जो आगे पीछे के बढ़ते हैं, वो कोई 1000 से, कोई 500 से, कोई 1500 से सीट है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा कोई रुझान नहीं है। आप देखना धीरे धीरे करते करते वापस फिर ये रुझान ऊपर की तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से जो मुद्दे थे, क्लीन स्वीप की बात की जा रही थी, लगातार आत्मविश्वास से लवरेज कांग्रेस थी, लेकिन अब ये जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास पर बीजेपी इतनी भारी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कई निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं, तो जो नुकसान होता है जो बीजेपी का कम और कांग्रेस में के वोट बटे हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा कोई वोटों का वो हो सकता है। क्या हरियाणा में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन की खबरें आ रही थी, और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करती तो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता, और अब आम आदमी पार्टी की सीट तो एक भी नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हुआ है, कुछ भी वोट अगर मार्जिन चल रहा है 1000 मतों का, तो ऐसे में कांग्रेस के जो वोट है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 2-5-10 हजार वोट भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ कांग्रेस को है उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान है, हो सकता है बीजेपी को भी उससे नुकसान हो। हालांकि वोट जब दूसरी पार्टी को जाता है तो दोनों पार्टियों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, ये कोई नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़े, बल्कि सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेस का जो वोट है, जो परेशान है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है कि वोटों को दूसरी तरफ डालेंगे तो नुकसान, जिसको हम वोट दे रहे हैं उसको ही नुकसान होगा, तो इसलिए एकजुट होकर जनता वोट देती है और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। अब ये बहुत शुरुआती रुझान है आशीष जी, आप देखना धीरे धीरे आप तस्वीर फिर वापस बदलेगी। जैसे कांग्रेस की अपडेट बता दें आपको, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के आगे चल रहे हैं, लेकिन हालांकि इनका जो मार्जिन है मात्र 840 मतों का मार्जिन है, ये एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है और उनका मार्जिन मात्र 840 मतों का है, ये एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 16,823 मतों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस की विनेश फोगाट 2,039 मतों से पीछे चल रही है, तो वहीं निर्दलीय गोपाल कांडा हॉट सीट जिन पर नजर थी, बाहुबली गोपाल कांडा 9,343 मतों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की श्रुति चौधरी तोशाम हरियाणा सीट से 3,785 मतों से आगे चल रही है, तो वहीं अनिल विज बीजेपी के अंबाला केंट से चर्चित चेहरे पूर्व मंत्री 943 मतों से पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम ये भी पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं और शायद तीसरे चौथे पायदान पर ये चल रहे हैं। बड़ी अपडेट हरियाणा की हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा में बीजेपी
45 सीटों पर लगातार, कांग्रेस 37 सीटों पर, अन्य 8 सीटों पर। हरियाणा रिजल्ट की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट। रुझानों में अब हरियाणा में रोचक हो चुका है यह मुकाबला। तकरीबन 100 मिनट में यह पूरा खेल बदल गया और अब कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफा रुझान था, रुझानों में सुबह 8 से लेकर 9:40 तक कांग्रेस लगातार लीड कर रही थी, लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन 100 मिनट में ही अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। अब मुकाबला जबरदस्त हो चुका है, 45 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर कांग्रेस लगातार ट्रेंड कर रही है। तो वहीं हुड्डा का बयान आया है कि सीएम का फैसला पार्टी करेगी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आत्मविश्वास से लवरेज है हुड्डा। हुड्डा ने मीडिया से बयान दिया है, हरियाणा की जनता की जीत होगी। उन्होंने काउंटिंग के दौरान एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान भी काफी दिलचस्प है। हालांकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस सत्ता की ओर नजर आ रही थी, अब कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, लेकिन इसी दौरान हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने बयान दिया है, तो वहीं सीएम के चेहरे पर उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी, पार्टी आलाकमान तय करेगा, पार्टी के सारे विधायक मिलकर तय करेंगे, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ये बातें हुड्डा की ओर से कही गई है। हालांकि बहुमत साबित करना अभी बाकी है, लेकिन ट्रेंड लगातार ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। 47 सीटों पर बीजेपी, 36 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर अन्य। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, 90 सीटों में से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 49 सीटों पर बहुमत के मैजिकल फिगर से ऊपर है। पीडीपी 3 सीटों पर, तो वहीं बीजेपी 26 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। 4 सीटों का नुकसान फिलहाल बीजेपी को, तो वहीं 11 सीटों पर अन्यों का दबदबा देखा जा रहा है।